नमस्कार। इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान में अब बारिश का दौर धीमा पड़ सकता है। मौसम विज्ञानों की माने तो आज बाड़मेर व जैसलमेर को छोड़कर साथ ही जोधपुर संभाग के कई जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम साफ रह सकता है और बारिश की कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन मंगलवार को पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली। स्काईमेट वेदर ने अलर्ट जारी किया। मौसम केंद्र जयपुर ने भी पूर्वी राजस्थान के अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर व बीकानेर के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिली थी। लेकिन आज की बात करें तो आज बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर को छोड़कर सभी जगह मौसम लगभग या बादलवाई के बीच साफ बना रहेगा। बारिश की संभावना बेहद कम लगाई जा रही है। मानसून अब कुछ दिनों के लिए धीमा पड़ सकता है। जहां हल्की से मध्यम भारी बारिश की संभावना थी, वहां बारिश भी देखने को मिली थी। लेकिन राजस्थान में मानसून जमकर बरसा, इसको लेकर मौसम विभाग ने रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया। पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग के कई भागों में मूसला से भारी से अति भारी बारिश देखने को मिली, जिस कारण कई जगह या बाढ़ के हालात की चपेट में आ चुके। जैसा कि बता दें, पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद तथा पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में, जोधपुर व नागौर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। मौसम विज्ञानों का कहना है स्काईमेट के अनुसार राजस्थान में बारिश की संभावना कल थी, जो प्रेशर सिस्टम की वजह से डिप्रेशन के रूप में तब्दील हो चुका, जिसे दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश देखने को मिली थी। आज की बात करें तो आज की संभावना बहुत ही कम लगाई जा रही है। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर को छोड़कर बारिश की संभावना बेहद कम है। हालांकि दोपहर के बाद कुछ लोकल वेदर की सिस्टम की वजह से बारिश कोई छिटपुट स्थानों पर बारिश देखी जा सकती है। कोई खास प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। इस दौरान बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर व जोधपुर तथा बीकानेर जिले में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इसके बाद मौसम धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा। मौसम की ताज़ा अपडेट के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को भी शेयर लाइक कर दें। कॉमेंट बॉक्स में आप अपने जिले का नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।